कोई घटना इस तरह से घटित होती है तो हेमंता बिस्वा का गुस्सा कैसे चरम पर होता है और वो फिर उसके बाद किस तरह का एक्शन लेते हैं। लेकिन आइए आपको बताते हैं, जिस नौगांव की घटना की हम यहां पर बात कर रहे हैं, उसका जो गैंग रेप का आरोपी है वो डूबकर मर गया। असम में गैंग रेप का ये मुख्य आरोपी था जिसकी डूबने से मौत हो जाती है। कस्टडी में था ये और कस्टडी से भागते वक्त तालाब में ये डूब जाता है, बल्कि कूद जाता है, तैरना नहीं आता था उसको, डूब गया वो और उसके बाद उसकी मौत हो गई। गैंगरेप का आरोप क्राइम सीन रिक्रिएट करते वक्त दरअसल ये भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस अहली सुबह 3:30 से 4 बजे का वो वक्त था जब उसको लेकर जा रही। नाबालिग से गैंगरेप का आरोपी था तवज्जुल इस्लाम। असम के नागांव में गैंगरेप के आरोपी की मौत हो गई है जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 14 साल की एक नाबालिग जिसका गैंगरेप किया गया और भागने के दौरान असम पुलिस ने गोली चलाई। कल शाम को ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी और आज आरोपी तवज्जुल हसन की कोर्ट में पेशी होनी थी। घटना पर असम के नौगांव एसपी का बड़ा बयान सामने आता है। दोषी को रिक्रिएशन के लिए लेकर गए थे ये एसपी बता रहे थे। आरोपी ने तालाब में लेकिन इस बीच छलांग लगा दी, हमारे सिपाही के हाथ में भी चोट लगी, ये एसपी ने कहा। आरोपी की मौत की जांच की जा रही है। तो ये वो तमाम जो बयान एसपी द्वारा दरअसल जो निकलकर सामने आए हैं। लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं, हम तवज्जुल हसन की जिसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं, किस तरह से ये पूरा मामला सामने आता है और किस तरह से ये देखिए उसके बाद जो गोताखोर हैं वो भी वहां पर लगाए जाते हैं, वो जो टीम है वो भी वहां पर लगाई गई थी। ये असम के नौगांव की उस वक्त की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये वो जगह जिस जगह पर डूबने से जो मुख्य आरोपी है उसकी मौत हो जाती है। गैंग रेप का आरोपी तवज्जुल हसन जिसकी तस्वीर आप थोड़ी देर पहले यहां देख रहे थे, ये वो इलाका जब पुलिस यहां से गुजर रही थी, इन्हें लेकर उस जगह लेकर जा रही थी जहां पर वो वारदात हुई, वो क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश थी। अहली सुबह 3:30 से 4 बजे का वो वक्त था और मौका पाकर वो भाग निकलता है पुलिस की कस्टडी से। वो भागता है इधर उधर, जब उसे कुछ नहीं दिखाई देता तो वो तालाब में कूद जाता है। ये हम आपको तवज्जुल की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसकी तालाब में डूबकर मौत हो गई। और जिन 3 युवकों की बात कही जा रही थी उसमें से एक ये मुख्य तवज्जुल जिसकी तालाब में डूबने से मौत हो गई, जिस पर ये आरोप लगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जो पीड़िता है उसके परिजन किस तरह से वहां पर गांव में वो प्रदर्शन करते रहे और एक नाराजगी जो है वो साफ तौर पर इस घटना के खिलाफ, इस वारदात के खिलाफ दरअसल देखने को मिल रही थी। तो ये असम के नौगांव की पूरी घटना है और उसके बाद से ही आप ये देखिए कि उस गांव में स्थानीय लोगों में एक गुस्सा जो है वो चरम पर पहुंचा हुआ है। लेकिन आगे बढ़ें और हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला, ये असम के नौगांव की पूरी पिक्चर समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन 4 तस्वीरों के जरिए, जहां गैंग रेप का आरोपी तवज्जुल जिसकी मौत हो गई है, तालाब में डूबने से उसकी मौत हुई है, वो देख रहे हैं आप उस वक्त वो टीम, वो जो गोताखोर हैं उनको वहां पर बुलाया गया था। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो नाबालिग ट्यूशन से जब वो अपने घर जा रही थी तब उस नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ था। और असम में किस तरह से प्रदर्शन उसके बाद चल रहा था, ये 4 तस्वीरों के जरिए हम उस घटना को समझाने की, उस वारदात को समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि किस तरह से असम के नौगांव में ये घटना घटित होती है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की ओर से, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस की हम यहां पर बात कर रहे हैं, असम की बात करें, उत्तर प्रदेश की या मध्य प्रदेश की, लेकिन असम की चूंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री ने यह कहा भी था, बाकायदा एक्स पर पोस्ट भी किया, और इस तरह का कोई भी अपराध हो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा और वो कड़ा एक्शन लेते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन ये 4 तस्वीरों के जरिए इस पूरे मामले को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं और साथ ही आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा। मेरा एक ही बात है, जब नारी का ऊपर कोई अत्याचार होता है, नारी का ऊपर, नारी का मर्यादा का ऊपर कुछ काम ऐसा गलत काम होते हैं तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। घटना तो होता ही है लेकिन सरकार को देखना चाहिए पब्लिक कि सरकार एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। जब ऐसा घटना होता है सरकार को बहुत एग्रेसिव एक्शन लेना चाहिए।
तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा को आप यहाँ पर सुन रहे थे और आपने देखा कि किस तरह से वो एकदम सख्त नजर आ रहे हैं ये जो घटना हुई है उसके खिलाफ, और उन तमाम एक्शन की जो बात कर रहे हैं वो जमीन पर दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक आप जो देख पा रहे हैं नोएडा में जिसका एनकाउंटर किया गया या छेड़छाड़ इसने की थी और छेड़छाड़ का ये आरोपी है जो गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरी तरफ रेप का आरोपी अंबेडकर नगर में ये मुठभेड़ होती है ऑपरेशन लंगड़ा जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था। ये दो तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और इनके जरिए दरअसल ये दिखाने की कोशिश कि जिस तरह से ये कहा गया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे वैसी ही तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं अंबेडकर नगर के एसपी विशाल पांडे, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। एक महिला के द्वारा सूचना दी गई कि वह अपने गाय को ढूंढने के लिए गई हुई थी, उस दौरान एक व्यक्ति उससे बात करते हुए उसका गला दबाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित किया। जब पुलिस टीम द्वारा उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में काउंटर एक्सचेंज में पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई जिसमें उसके पैर में गोली लगी है, उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया है। तो ये तो आप एएसपी को सुन रहे थे, लेकिन आइए हम आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाते हैं जब उन्होंने ये कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और वैसा ही एक्शन वो लेते हुए नजर भी आते हैं, सुनिए। जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता उसका कोई भविष्य नहीं होता है, और इसीलिए तो हम लोग आए हैं। बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा, कोई उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी, कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। और मैंने जो पहले भी कहा था कि बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अपने चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज भी करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। तो ये उत्तर प्रदेश की हमने बात की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, लेकिन हम ही ने आपको अपने इसी कार्यक्रम में प्रहार में आपको एक खबर मध्य प्रदेश से दिखाई थी, और ये जो आप देख रहे हैं जिस शख्स को, ये है शहजाद अली। आपको याद होगा किस तरह से छतरपुर में पूरा मामला निकलकर सामने आया था, वहां पर किस तरह से एक थाने में जो पत्थरबाजी है वो वहां पर की जाती है और कई पुलिस वाले जो हैं उसमें उनको गंभीर चोटें आती हैं। यही वो शख्स है जिसके कहने पर वो पत्थरबाजी वहां पर शुरू होती है, यही वो शख्स है जिसके कहने पर वो भीड़ वहां पर पहुंचती है और उसके बाद वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और वो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है, मध्य प्रदेश के छतरपुर की 21 अगस्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि आज से 3 दिन पहले जब थाने को घेर कर वहां पर आप देखिए कि कितनी तादाद में वहां पर ये भीड़ पहुंच जाती है और पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, मोटे मोटे पत्थर जो पुलिस वालों को किसी को आंख पर लगता है, किसी को मुंह पर लगता है और कई पुलिस वाले इस दौरान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और फिर उसके बाद किस तरह का एक्शन होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन क्या तस्वीर थी उस वक्त वो हमने आपको दिखाई, और उसके बाद किस तरह का एक्शन होता है ये मोहन सरकार का कोतवाली पर, अगर आपने पथराव किया, पत्थरबाजी की, तो फिर उसके बाद शहजाद अली की जो संपत्ति है उस पर चलता है बुलडोजर। ये पूरा जो घर है उसका, पूरी जो इमारत और वहां पर जो भी पूरी संपत्ति आप देख रहे हैं, ये पूरा जमीन दोज कर दिया जाता है। 20 करोड़ का ये घर, जितना आलीशान है उसकी कीमत भी आप सुन लीजिए, 20 करोड़ का ये घर जिसकी लागत थी और ये आलीशान घर जमीन दोज कर दिया जाता है, क्योंकि अपराध अगर आप करेंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। ना केवल इतना बल्कि जो उसकी लग्जरी कार्स हैं वो भी ध्वस्त कर दी जाती है।